दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे स्टूडियो में है आंचल वर्मा और है मोहिनी। ये दोनों है ट्रांसजेंडर, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा ट्रांसजेंडर किसको बोला जाता है। लेकिन आज हम मोहिनी और आंचल मैडम से ही पूछेंगे कि उनको ट्रांसजेंडर क्यों कहा जाता है। मैडम, हमारे स्टूडियो में आप आए उसके लिए आपका नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम, ये बताइए कि आप दोनों हमेशा देखिए कि सोशल वर्क में हमेशा रहते हैं, लेकिन आप लोगों को ट्रांसजेंडर क्यों कहा जाता है ये लोगों को बताइए। सर, सबसे पहली बात तो हम ट्रांसजेंडर हैं, इसके लिए हमें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर्स आज से नहीं, ये महाभारत काल से है, ये रामायण काल से है, ये अर्धनारेश्वर का एक रूप है, वो होता है ट्रांसजेंडर, जो ना एक महिला ना एक पुरुष, वो होता है एक ट्रांसजेंडर। जिसको समाज नहीं स्वीकारा अभी तक, वो होता है एक ट्रांसजेंडर। जिसके तरफ प्रशासन का कुछ भी ध्यान नहीं है, वो है एक ट्रांसजेंडर। अच्छा मैडम, आप ये बताइए, आप अपने एक पुराने अपन उस पर चले जाते हैं, पुराने बातों पे, यानी पुराने जब आप पैदा हुए होंगे उस समय, तो उस समय आपके घर वालों ने, आप माँ पिताजी थे आपके, उनने आपको जब देखा होगा कि आप एक पुरुष है, बड़े खुश होते हैं लोग, पुरुष को देख के बड़े खुश होते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद अगर उनको पता चल रहा है कि आपकी जो हरकतें है एक लड़की जैसी है, तब कैसा उनको लगा होगा? और आपको क्या लगा कि मैं लड़की हूँ पर मेरे को लोग लड़का समझ रहे घर वाले, लेकिन मैं लड़की हूँ? इसके ऊपर में थोड़ा सा लोगों को क्लियरेंस दो, बताओ उनको कि आप ये ऐसे हरकतें क्यों करते थे लड़का रहने के बाद भी लड़की जैसी। जी हाँ, मैं एक्चुअली पहले तो बच्चे को समझ ही नहीं रहती है, जब तक वो 8 या 9 साल का नहीं होता है, उसको खुद ही नहीं समझ में होता है आता है कि वो है क्या करके। जिस तरह से माँ बाप रखते हैं, माँ बाप ने शर्ट पैंट पहना दिया तो लड़का है, माँ बाप ने फ्रॉक पहना दिया तो लड़की है, तो माँ बाप ने मुझे भी शर्ट पैंट पहना दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये कपड़े मेरे लिए नहीं बने हुए हैं, मुझे फ्रॉक पहनना है। मुझे लड़कों के साथ खेलना पसंद नहीं था, मुझे लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद था। लड़कियों के साथ की जैसे रेडी होना पसंद था, बालों में फूल लगाना पसंद था, फ्रॉक लगाना पसंद था, मैं मम्मी की चोरी छुप के जाती थी बाथरूम में, किधर किधर लिपस्टिक लगा लेना, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे, उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, हमने लड़का बच्चा पैदा किया हुआ है लड़का बोल के, जो मैं थी नहीं लड़का। मैं कह सकती हूँ कि मैं एक, मेरा शरीर भले ही पुरुष जैसा था या पुरुष का था, लेकिन जो मेरी आत्मा थी अंदर से, वो एक लड़की की थी। जो मेरी भावनाएं थी, वो एक लड़की की थी। जो मेरा नज़रिया था देखने का समाज के प्रति, वो एक लड़की जो नज़रिया से देखती है समाज को, वो मेरा नज़रिया था सर। मोहिनी जी, आप भी बताइए कि आप भी बचपन में आपके साथ में जैसा माँ बाप को पता चलोगा कि इसके हरकतें लड़का तो है लेकिन इसके हरकतें एक लड़की जैसे कर रहे हैं, तो घर वालों ने आपको उस समय छोटेपन में जो उनकी खुशी रहती, जैसे बच्चे पैदा होता है उन लोग देखते कि लड़का हुआ, एक पूरी घर का माहौल चेंज हो जाता, लेकिन कुछ महीनों बाद या सालों बाद आपकी हरकतें देख कर क्या है, उस समय कुछ आपको कुछ बातें होंगी या आपको बता सकते हैं? यस यस श्योर, कॉज मैं यहाँ पे यही चीज़ बताने के लिए आई हूँ कि होता कुछ नहीं है। ट्रांसजेंडर क्या होता है लोगों के लिए आज भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्यों क्वेश्चन मार्क बना हुआ है? ये तो सदियों से चला आया है ना, स्त्री पुरुष, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, देव देवता, ये तो चलते आ रहा है। कोई अलग से कोई जानवर नहीं है, अलग सा कोई प्लैनेट नहीं है, अलग से कोई चीज़ नहीं है, अलग से कोई वस्तु नहीं है। मैं भी तो ट्रांसजेंडर होने के बावजूद, ये तो वजूद है ट्रांसजेंडर, यानी कि क्या, तृतीय पंथी। तृतीय पंथी क्या होता है? तृतीय पंथी वो होता है, उसका भी तो एक वजूद है। जिस तरह से एक स्त्री का वजूद होता है, जिस तरह से एक पुरुष का वजूद होता है, उसी तरह से तो मेरा भी तो वजूद है। मेरी हाँ, मैं भले ही शरीर रचना मेरी उस पुरुष के प्रति होगी, पर मेरी भावनाएं, मेरी आत्मा, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी इच्छा शक्ति पूरी तो स्त्री जैसी ही है। मैं जब निर्णय लेती हूँ खुद के बारे में, तो पहले ये नहीं सोचती कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। हाँ, जब मेरे माँ बाप के वक्त में मैं शायद से मैं छोटी हूँ, तब का तो उनका रिएक्शन नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं छोटी थी और मैंने लिपस्टिक लगाई, मेरी दीदी की चुरा के लिपस्टिक लगाई, और ज़्यादातर
जो लड़के होते हैं वो पापा को ये करते हैं, देखते हैं पापा की मूछें हैं, पापा की तो ये है, लेकिन मैं ना अपनी मम्मी को देखती थी, ठीक है, कितनी अच्छी लग रही है मम्मी पे, मम्मी पे साड़ी, मम्मी साड़ी कैसे पहनती है, मम्मी लिपस्टिक कैसे लगाती है, मेरी दीदी लिपस्टिक कैसे लगाती है, तो वो चीज़ होती थी। और मुझे वो इंसिडेंस पता है, मैं स्कूल से वापस आई, घर पर कोई नहीं था, सडनली दीदी की लिपस्टिक ली और लगा के बैठ गई। अब उतने में घर वाले आए और बोलने लगे, ये क्या है, ये कितना रिएक्शन उन्होंने बहुत अजीब सा दिया, ये लड़कियां करती है बेटा, ये आप मत करो। एक दिन बताया, दूसरे दिन मैंने फ्रॉक पहन के देखा और कुछ वक्त आया ऐसा कि मैंने मम्मी की साड़ी भी ट्राई करी, और जब तीसरे वक्त में मुझे पकड़ा तो उस वक्त मैं समझा नहीं, उस वक्त में मुझे कुटाई मिल गई, ये क्या है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाए, तुम क्यों जबरदस्ती करते हो। तो तब से लेके आज तक मुझे सिर्फ लोगों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे स्कूल टाइम में मेरे टीचर लोगों ने, मेरे आजू बाजू के आस पड़ोस ने सिर्फ इतना बताया कि आप लड़के हो तो आप लड़कों जैसे क्यों नहीं रहते हो, ये किन्नर और ये क्या है लड़की जैसे हरकत करना। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्या, कुछ नहीं, ये तो नेचर है मेरा, ये तो स्वभाव है, ये स्वाभाविक गुणधर्म है, मुझे अच्छा लगता है साड़ी में, अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है मैं जब लिपस्टिक लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ और खुद को सुंदर एक स्त्री के रूप में देखती हूँ, मुझे पुरुषों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा प्रियकर बने, पर इस तरह से नहीं कि मैं भी वो हूँ वो भी वो, मैं अपने आप को एक स्त्री की तरह देखती हूँ, एक फीमेल की तरह देखती हूँ, लेकिन मेरा वजूद एक ट्रांसजेंडर से शुरू है और ट्रांसजेंडर पे ही खत्म होगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर को महिला और पुरुष दोनों की शक्ति है, महिला अपने लेवल में ही सिर्फ काम कर सकती है, पुरुष अपने लेवल में काम कर सकता है, लेकिन मैं दोनों के लेवल में काम कर सकती हूँ, और यही बात है मुझे। मोहिनी जी बता, स्कूल भी गए होंगे आप, तो उस समय स्कूल में आपको क्या लगा कि मैं लड़कियों के साथ बैठना चाहिए या लड़कों के साथ, या फिर खेलना किसके साथ? सर मैं ओरिजिनल बात बताऊंगी तो देखो, किसी को रुलाना नहीं है मुझे, लेकिन ये स्ट्रगल होता है हमारे साथ, ये छोटी छोटी बातें ही ना बहुत ज़्यादा गहरा घाव देख के चली जाती है। जैसे कि मैं अगर बोलना चाहूँ अपनी स्कूल लाइफ के बारे में, तो बहुत गंदे एक्सपीरियंस रह चुके हैं मेरे साथ में। मैंने आज तक बॉयज़ टॉयलेट क्या होता है मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे साथ में बैक टच होता था, आज तो गुड टच बैक टच बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन मेरे साथ में बैक टच भी होता था कि अरे अभी तक तुझे मुस्टैच नहीं आए, तुम्हें बियर्ड नहीं आए, तुम इतने क्यों ऐसे, तुम ये कैसे हो, तुम फेमिनाइन बोलते हो, ये किन्ना छक्का या फिर एक वो वर्ड रहता है टिपिकली नागपुरियन में कि बाल्या, ये शब्द से ये प्रताड़ित शब्द मुझे सुनाई देते थे। मेरे स्कूल में बच्चे मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे कि अगर तुम मेरे बेंच पर बैठोगे तो आपकी आदतें हमें लगेगी, तो बेंच पर नहीं बैठते बैठने देते थे। मेरा एक भी दोस्त नहीं था, इवन 10th 11th क्लास तक मेरा एक भी दोस्त नहीं था। मैं लंच अकेले करती थी, मैं घूमती अकेले थी, मेरा कोई नहीं था उस वक्त में। उस वक्त में मेरे लिए एक चीज़ भी अगर किसी ने बोल दी तो मेरे आंखों से सिर्फ आंसू निकलते थे कि मैं क्यों ऐसी हूँ। दो बार मैंने सोचा कि मैं मर जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ निगेटिविटी आती है माइंड में कि माँ बाप भी मुझे समझाते कि लड़का बन, आजू बाजू वाले को समझाते कि लड़का बन, फ्रेंड्स लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि तू लड़का है लड़की क्या है, वो अलग से टॉर्चर करता है। तो इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती रही हमेशा, और थोड़ा निगेटिव ही सोच बनी थी मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को संभाला, कहीं ना कहीं एजुकेशन को मैंने ध्यान दिया और आज इस लेवल में आई हूँ खुद को लेकर। और मैं कहीं अपने आप को ये नहीं बोलती हूँ कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैं तृतीय पंथी हूँ, मेरा खुद का जज्बा है, खुद की एक कहीं ना कहीं अस्तित्व है मेरा, तो मैं उसके ऊपर मैं प्राउड करती हूँ खुद को। मोहिनी जी, आपने नाम तो अपना मोहिनी बताया, लेकिन आगे आपने सरनेम नहीं बताया, क्या कारण है? उस बात को भी यही चीज़ है कि मोहिनी ठीक है मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन जब किन्नर मोहिनी मैं लगाती हूँ, जैसे MX करके जो हमें बोधित किया जाता है, MX मोहिनी, उसके बाद में जो सरनेम लगाते हैं ना, तो माँ बाप नहीं देते सरनेम, माँ के बाप भी साथ नहीं देता, और वो बोलते हमारे पुरखों का नाम तुम क्यों खराब कर रहे हो, किन्नर के आगे किन्नर के पीछे हमारा सरनेम दे रहे हो, नहीं। तो मैं भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मैं अपने गर्व बनूँ, अपने परिवार के लिए मैं गर्व बनूँ, उनका सरनेम तब लगाऊंगी जब मैं उस ऊंचे शिखर में जाके पहुँचूंगी, उस वक्त मैं उनके आंखों में आंखें डाल के बोलूँगी कि मैं कहाँ गलत थी, क्यों मुझे उस चीज़ से वंचित रखा गया, आपने रखा होगा जो भी आपने जो मेरा नाम रखा था, लेकिन जो सरनेम जो एक कहीं ना कहीं कॉमन बच्चों में भी वो सरनेम को जोड़कर जब रखते हैं, बहुत ये होता है आजकल, वो मूवीज़ में भी आ रहा है कि मम्मी का सरनेम क्यों नहीं चलता वगैरह वगैरह,
तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि सरनेम नहीं जोड़ती हूँ, लेकिन ठीक है मैं करके दिखाना चाहती हूँ, समाज को ही नहीं तो मेरे माँ बाप को भी करके दिखाना चाहती हूँ, देन आफ्टर मैं भी सरनेम लगाऊंगी। आचल वर्मा जी आप भी बताइए, आपने सरनेम लगाया लेकिन ये सरनेम आपका माँ का है या पिताजी का सरनेम है? सर मैं बताना चाहूँगी ये मेरे माँ का सरनेम है वर्मा करके, मेरे पिताजी महाराष्ट्रियन थे और मेरी मॉम मोना पंजाबी थी, उनका लव मैरिज हुआ था। तो मेरे पैदा होने के बाद में जब अभी मेरा सरनेम लगाने का जब टाइम आया, जब मेरा टाइम आया सरनेम लगाने का, तो मेरे पिताजी ने बोला था कि तुम मेरा सरनेम नहीं लगा सकती हो। मेरे पिताजी का सरनेम था तागड़े, महाराष्ट्रियन में आता है तागड़े। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स तो बनाने थे, मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे पहले मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था गाड़ी चलाने का, तो गाड़ी चलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस तो बनाना है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए तो मुझे सरनेम पूरा नाम तो चाहिए ही था। तो फिर मेरी मॉम का नाम था वर्मा, तो मैंने फिर अपनी मॉम का नाम अपने नाम के आगे लगाया आंचल वर्मा। मोहिनी जी आपको भी तो सरनेम की जरूरत गिर गई, जैसे लाइसेंस बनाने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, तो फिर आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए? अभी तक मेरे जो माँ बाप ने दिया हुआ नाम है और लिंक है उसी के साथ मैं जी रही हूँ, लेकिन हाँ आज 2 साल हो रहे हैं कि मैंने अपना डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ मोहिनी नाम दिखाया। उसमें आज आर विमला मैडम है, अपने डिस्ट्रिक्ट नागपुर के कलेक्टर है, उन्होंने और जो रह चुके हैं सर ठाकरे सर ने, उन्होंने हम लोगों के लिए एक पहचान दी है, किन्नरों के प्रति एक पहचान दी है। उन्होंने ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जो बना के दिया है या बनाने के लिए उन्होंने हेल्प करी है, जो सोच लाई है उसमें मेरा नाम मेरे जो चल रहा था जो नाम उसको बदलकर मेरा लिंक और नाम दोनों चेंज होके सिर्फ मोहिनी रखा है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स में धीरे धीरे कर रही हूँ, इम्प्रूव हो गए मेरे डॉक्यूमेंट। आचल और मोहिनी जी बताइए आप लोग करते क्या अभी? सर मैं 5-16 साल से साथी ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ, और अभी 5 साल से मैं सारथी ट्रस्ट में एज अ पीयर एजुकेटर एंड पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इस पद पर कार्यरत हूँ, और एक ट्रांसजेंडर एक्टिवेट हूँ सर मैं, जो एक सोशल वर्कर है जो ट्रांसजेंडर्स के हेल्थ के हित में, जो उनकी हेल्थ है या उनके क्या अधिकार है इसके ऊपर में हम काम करते हैं सर। और मोहिनी जी आप? जी मैं भी साथी ट्रस्ट से जुड़ी हुई 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं एज ए कम्युनिटी वहाँ पे थी, फिर पीयर एजुकेटर बनी, देन आफ्टर मैं अभी ORW हूँ, आउटरीच वर्कर पे उस पोस्ट पे काम करती हूँ। मैं भी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, उनके हितों के लिए उनके हेल्थ के लिए काम करती हूँ, लेकिन नॉट ओनली ट्रांसजेंडर, पूरी अम्ब्रेला है लेस्बियन के ट्रांसजेंडर बाइसेक्सुअल, तो LGBTQ समुदाय को लेकर हमें उनके हितों के लिए उनके हेल्थ के इशूज के लिए हम लोग काम करते हैं। देन आफ्टर मेरे बारे में बताया जाए तो मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनल डांसर भी हूँ, और अभी DSV ड्रीम वेंचर स्टूडियो ने जो एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें मॉडलिंग शो हुआ था, उस मॉडलिंग शो में मैं फर्स्ट रनर अप भी रह चुकी हूँ। ये तो आपकी लाइफ थी बचपन से लेकर यहाँ तक कि आपने जो बताया उसमें आपको कई परेशानी भी झेलनी पड़ी है, माँ बाप की डांट भी खाए, माँ बाप के हाथ से मार भी खाए होंगे, आपके परिवार में अगर आपको लेके जाते होंगे, अगर जैसे आप समझो 5th क्लास में होंगे या एक अंदाज पकड़ो 7 साल के होंगे 8 साल के होंगे, तो फैमिली में आपको लेके जाते होंगे तो उस समय कैसा लगता होगा? आपकी फैमिली में आपके माँ बाप आपको कुछ बोलते होंगे या आपके फैमिली के जो रिश्तेदार है वो आपको कुछ कमेंट्स करते होंगे, तो उस समय कैसा लगता था? सर ऐसा है कि देखिए आपने क्या बोला है आपने कि 8 साल 8वीं 9वीं, सर मैं 4th तक पढ़ी हूँ पहली बात तो, ठीक है सर, सिर्फ मैं 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ। जब मैं 4th में थी तो मेरे माँ बाप को ऐसा लगा कि ये बच्चा कुछ अलग है, ये फीमेनाइज है, लड़कियों जैसा है पूरा। तो मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी सर, जब मेरी उम्र शायद 3 महीने की थी, तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। जो मेरी सौतेली माँ आई थी तो वो मुझे बहुत परेशान करती थी, वो मुझे कपड़े धोने लगाती थी, बर्तन मारने लगाती थी, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल गया था कि कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है करके इस बच्चे में। वो मुझे बहुत तंग किया करती थी, वो मुझे खाना नहीं देती थी एक एक टाइम का, वो मुझे बोलती थी अगर मैंने खाना खा लिया तो सारा घर का खाना बाहर फेंक देती थी सर, और मेरे पिताजी को बोलती थी कि इसने खाना खा लिया, तो मेरे पिताजी मुझे आके बहुत मारते थे सर। तो मैं तो पहली एक तो मैं ऐसी थी बचपन से, ऊपर से मेरी माँ मर गई,
मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो मेरे ऊपर इतने अत्याचार होते थे उस बचपन में कि मेरे पास में कपड़े नहीं रहते थे सर पहनने के लिए। मेरा स्कूल का एक ही ड्रेस रहता था सर, जो रोज़ मैं धो धो के पहनती थी, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे कपड़े वपड़े कुछ लेके नहीं देते थे। और जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी सर, तो मेरी माँ ने बोली ये बच्चा पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, बोली इसे स्कूल छुड़ा दो तो और घर के काम करवा दो। तो मैं जब चौथी में पढ़ती थी तभी मैं सेंट मार्टिन हाई स्कूल गोरेवाड़ा, जो बोरगांव रोड पर है सर, वहाँ पढ़ी हुई हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हूँ सर। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मुझे घर के काम करने के लिए मेरे पिताजी ने रख लिया कि बर्तन मांजो। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हुई है मुझे सबसे पहली। जब वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा, तो आपको पता है पोटी करता है, उसके वो पोथड़े होते हैं, तो वो सफाई करने के लिए रखा था मुझे घर में। तो बाद में बोली इसका कुछ काम नहीं है, और मैं भी बहुत तंग हो गई थी, तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया मेरे माँ बाप ने, क्योंकि आजू बाजू बोलते थे तुम्हारा लड़का क्यों ऐसा है, लड़कियों जैसे रहता है, ये लिपस्टिक लगाता है, ये बाइलिया कौन ऐसा करते हैं, बाइलिया सर का है ऐसे है कि मैं एक्चुअली जहाँ पैदा हुई हूँ गिट्टी खदान गौलीपुरा है, वो एक बस्ती है, तो बस्ती में ये आम बात है कि बहुत घर एकदम बाजू बाजू लगे होते हैं, कम्युनिटी सब इसके घर में अगर खाना भी बन रहा है तो चार घरों में पता चल जाता है कि आज इसके घर में सब्जी क्या बनी है करके। तो ऐसा था, तो मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया घर से बाहर, और मुझे बोला कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। अब मैं सर 7-8 साल का बच्चा जिसको कुछ समझ में नहीं है, चौथी में कितने साल का बच्चा रहता है सर, 8 साल का 9 साल का, जिसको कुछ समझ में नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं क्या करती थी सर, मैं घर, मेरे पिताजी ने मुझे घर के सामने में आंगन था सर, उसमें 4 लकड़ियाँ ऐसी खोज के दी थी और एक पुरानी सी साड़ी डाल के दी थी कि तुम इसमें रहो, भले तुम कुछ भी करो। मुझे पीने का पानी तक के नहीं देते थे सर घर में। मेरे घर में एक ऐसा गड्ढा हुआ करता था सर कि जहाँ नल आता था तो वहाँ पानी भर जाता था, तो मैं वो पानी उठा उठा के पीती थी सर, या पड़ोसी को बोलती थी कि मुझे आप पानी दे दो, खाना दे दो। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, तो मैं घर से वहाँ से निकल गई। फिर मैं राजनगर है छावनी में लोग घर के पास से ताका झाका करती रहती थी, छोटा सा बच्चा, लोग बोलते थे क्या झाक रही है, क्या कर रही है, मुझे कुछ दो रोटी के लिए कुछ काम होगा तो दे दो। मैं किसी के घर में बर्तन मांग लेती थी, किसी की दो रोटी बना देती थी, किसी के घर में झाड़ू पोछा लगा लेती थी। तो ऐसा करके मुझे 2 वक्त का खाना नसीब होता था सर, और मैं किसी की भी कहीं पर भी सो जाती थी, कभी बस स्टॉप पे सो जाती थी। तो यहाँ कस्तूचंद पार्क है सर, जहाँ मेरे जैसे उस वक्त काफ़ी सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो हमारी कम्युनिटी जैसे कि गे कम्युनिटी उस समय थी, तो वहाँ काफ़ी सारे लोग आके जमा होते थे, तो उनको मैं बताया करती थी। तो कभी कोई मुझे अपने घर लेके जाता था, कोई किसी के घर लेके जाता था। ऐसे करते करते मैंने 13-14 साल की उम्र तक के नागपुर में बिताए हैं सर अपने। और बाद में जब मुझे थोड़ी सोच समझ आई तो मैं यहाँ से मुंबई गई सर। मुंबई जाके मैंने होटलों में काम किया, होटल्स में काम करके मैंने प्लेटें धोई, कबसी धोई लोगों के, और मैं होटल में एज अ वेटर फिर वहाँ काम करने लगी, और अपनी लाइफ आज यहाँ तक के मैं लेके आई हूँ सर। अरे ये आपकी थी लाइफ, यानी बचपन से माँ बाप ने किस तरीके से आपके सर पर टॉर्चर किए, लेकिन कई माँ बाप भी ऐसे हैं कि उनको पता रहने के बाद भी अपने बच्चों को अपने पास ही रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं माँ बाप उनको पता हो जाता है मेरे बच्चा ना लड़का है ना लड़की है, ये ट्रांसजेंडर है, इसको घर के बाहर निकाल देना। ऐसे माँ बाप ने भी सोचते थे, ये कहीं ना कहीं कभी कोई बच्चा पैदा होता था ये नहीं सोचता है कि मैं लड़का पुरुष नहीं, मैं के तीसरा हूँ, लेकिन है तो बच्चा ही। उनको उस बच्चे को लेके चलना भी कहीं हर माँ बाप का काम है, लेकिन इनकी जो कहानी है दोनों की, ये एक बहुत यानी लोगों को एक छू लेने वाली कहानी है, क्योंकि आज जिस तरीके जो लेवल पे बैठे हैं वो अच्छे लेवल पे बैठे हैं। आज हो सकता इनको और माँ बाप का सपोर्ट मिल जाता थे और कहाँ के कहाँ पहुँच सकते थे। मेरे एक बात और बताइए आप लोग कि आपको हॉस्पिटल में देखा गया, एक स्त्री और पुरुष के लिए हॉस्पिटल में हर जगह रहती है, आप लोगों के लिए कभी आप बीमार गिरे होंगे या कोई हाथ फ्रैक्चर पैर फ्रैक्चर हुआ होगा या कोई बीमारी होगी तो आप हॉस्पिटल गए होंगे, तो आपके लिए कोई अलग से बेड की सुविधा है क्या इस लेडीज़ के ही वार्ड में आपको रखा गया? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी सर, हमारा महाराष्ट्र, हमारा नागपुर, जहाँ मेडिकल बोल के एशिया का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नंबर वन तो नहीं कहती हूँ बट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पुरुष के लिए वार्ड्स है, स्त्रियों के लिए वार्ड्स है, पर ट्रांसजेंडर के लिए मैंने कहीं वार्ड्स नहीं देखा सर। आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं खुदा ना खास्ता मैं रोड से चलती हूँ
या मेरे कोई भाई बंधु रोड से चल रहे हैं और सडनली उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया, समझ लो मेरा पैर कट गया, मेरे पैर से खून बहने लग गया और मुझे ज़रूरत है सर, तो मैं कहाँ जाऊँगी? सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँगी सर, क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? मेडिकल में जाऊँगी या मेवा में जाऊँगी? मैं जाऊँगी तो सर पहले तो वहाँ डिस्कस डॉक्टर यही करेंगे कि इसको पुरुष हाथ लगाए या महिला डॉक्टर हाथ लगाए। सर मैं वहाँ अगर स्ट्रेक्चर पे लेटी हूँ, मेरा खून बह रहा है, वो दोनों यही डिसाइड कर रहे हैं कि पहले से पुरुष हाथ लगाएगा या महिला डॉक्टर हाथ लगाएगी, इसी में ही मेरी आधी जान तो वहीं चली गई, हो सकता है मेरी पूरी जान भी चली जाए उसी डिस्कशन में। आचल वर्मा, ऐसा आपके साथ कभी हुआ क्या ऐसा हॉस्पिटल में? सर अभी तक तो मैं हॉस्पिटल गई नहीं हूँ। आपके साथ उदाहरण है? उदाहरण है, क्योंकि ऐसे तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो उदाहरण बन चुकी है, लेकिन मेरा साथ अगर देखा जाए तो जब मैं कहीं ना कहीं सलवार सूट पे गई थी कहीं मेडिकल में, तो बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तमाशा करने आए हो? अरे मैं अपना इलाज करवाने आई हूँ, मेरा आपने देखा होगा कि मैं स्पेक पहन के हूँ, तो मेरे आँखों में कुछ चला गया था, पेन चला गया था, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पूछताछ करने के लिए गई थी मैं वहाँ कि मुझे इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ से कहाँ क्या मिलना चाहिए। तो नहीं, आप वो महिला वार्ड में जाओगे या फिर वो जाओगे, इस तरह से वहाँ की नर्स मुझसे बात करी और उन्होंने बोला कि आप बैठो थोड़ी देर से। आधा घंटा निकल गया, एक घंटा निकल गया, पूरी पूरी शाम हो गई, पर मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला मुझे और वहाँ से मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। इवन कहीं ना कहीं जो मेरे बच्चे कुछ जो पैसे थे और कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने भी दिए हुए पैसे, इस तरह से मैंने वो ऑपरेशन किया अपने आँखों का प्राइवेट में। ना कि प्राइवेट में भी मुझे वही तकलीफ हुई कि आप ना वो कॉस्ट्यूम आपका जो भी आपने जो पहना है ना आप वो निकाल लो, आप शर्ट पैंट पहनो ना, फिर हम आपको अटेंड करते। क्यों वो नहीं, मतलब मैं अगर वो चीज़ करती हूँ तो उस चीज़ के तरह से मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया और मेरा कहीं ना कहीं आदर नहीं किया गया उस मेरे लिंग के प्रति, सोच कर उन लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ही किया। आप दोनों सर एक सवाल है कि आप लोगों के लिए जैसे पुरुष और स्त्री के लिए लैट्रिन बाथरूम होती है, आप लोगों के लिए इस चीज़ के लिए आपको कोई दिक्कत आई क्या कि आप स्त्री के इसमें नहीं जा सकते बाथरूम में या पुरुष के बाथरूम में नहीं जा सकते, इसको लेके भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता परेशानी आई होगी या फिर आपको सुविधा मिली होगी इस सब चीज़ों की? सर सबसे पहले तो मैं बतानी चाहूँगी कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमारी जो नागपुर सिटी में, वहाँ सिर्फ एक ही टॉयलेट है तृतीय पंक्ति के लिए जो लकड़गंज में हाल ही में बना हुआ है, हमारी 8 साल की लड़ाई के बाद में एक टॉयलेट बना है। अगर मुझे यहाँ बाथरूम लगा है तो क्या मैं लकड़गंज में जाऊँगी क्या सर बाथरूम करने के लिए? हमारी बस सरकार से, प्रशासन से ये मांग है सर कि जैसा कि एक पुरुष के लिए हर क्षेत्र में, हर एक मॉल में बोलो या कहीं पर भी बोलो, एक मार्केट एरिया में बोलो, जहाँ पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए एक एक बाथरूम जैसे बना हुआ है अलग अलग, हमारी ये मांग नहीं आप अलग से बनाओ, बट उसमें एटलीस्ट एक तृतीय पंक्ति का रखिए सर, एक बाथरूम एटलीस्ट तृतीय पंक्ति के लिए होनी चाहिए, हमारी ये प्रशासन से मांग है सर। क्योंकि सर काफ़ी सारे, अगर कोई तृतीय पंक्ति जाता है बाथरूम करने के लिए लेडीज में ही जाएगा सर, ऑब्वियसली वो मैन में तो नहीं जाएगा, कोई लेडीज रहेगी वहाँ पर तो ओह तुम कैसे आ गई हो यहाँ पर, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है ये बाथरूम, बहुत सारी लेडीज ये सवाल उठाती है सर। तो जब तृतीय पंक्तियों के लिए अलग से बाथरूम नहीं है तो वो जाएंगे कहाँ सर, फिर वो रोड पे खुले पे करते हैं तो फिर कहते हैं समाज में लोग अरे देखो ये तृतीय पंक्ति कहीं भी बैठ के पेशाब कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार से मांग है सर हर सुलभ शौचालय में आप लोगों के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, सुलभ शौचालय में नहीं सर, हर मॉल में होना चाहिए, हर थिएटर में होना चाहिए, जहाँ पर भी महिला और पुरुष का शौचालय है वहाँ पर एक तृतीय पंक्ति का एक छोटा सा तो बनाइए, शुरुआत तो कीजिए कम से कम, कहाँ है मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है सर। एक बात और पूछता हूँ, अगर हॉस्पिटल में समझो आप बीमार हो गए, हाँ जी, तो आपका जेंट्स डॉक्टर इलाज करेगा या लेडीज डॉक्टर इलाज करेंगी, ये भी एक मुद्दा आपको कभी परेशानी है कि हमने नहीं करना चाहिए, लेडीज इलाज करना चाहिए, अगर कोई ऐसी बीमारी को लेके कभी ऐसा आई की घटना सामने आपके, ये आप दोनों ने और किसी को ये प्रॉब्लम? सर एक्चुअली देखिए, एक ट्रांसजेंडर थी सर, वो ट्रेन मांगती थी, आपने देखा होगा कि ट्रेन में काफ़ी लोग मांगते हैं और कैसा होता है ना सर कि पुलिस वाले मांगने नहीं देते हैं ट्रांसजेंडर को, तो वो चलती हुई ट्रेन से, जब वो जब चलने वाली होती है ना सर तब ट्रांसजेंडर चढ़ते हैं उसके ऊपर में
और वो दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ लेते हैं और फिर जाके पूरी ट्रेन को मांगते हैं सर। तो हमारी एक ट्रांसजेंडर बहन थी ऐसी ही, जो चलती हुई ट्रेन से जब वो दौड़ने की कोशिश की तो उसकी चलती हुई ट्रेन में उसकी टांग फंस गई सर, और उसकी टांग इतनी बुरी तरह से फंस गई कि उसकी टांग आधी लटक गई है सर, ऐसी लटक गई थी सर वहाँ पर। तो जब उसको लोगों ने देखा, ये किया, ट्रेन रोकी, उसको हॉस्पिटल में किसी तरह, जो आज मैं कह रही हूँ, मेडिकल में लेके गए। हम अपने साथी ट्रस्ट में बैठे थे, वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी एक ट्रांसजेंडर बहन है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में उसका एक्सीडेंट हो जाए हैं, आप आइए। तो हमारे CEO है मिस्टर निकुंज जोशी, वो और मैं, हम लोग मेडिकल में गए सर। तो वहाँ पर जब उसको स्ट्रेक्चर पे लेटाया गया था, तो तब एक मेल डॉक्टर था और एक फीमेल डॉक्टर थी, तो वो ही मैं बात कर रही हूँ कि वो डिसाइड कर रहे थे सर कि इसको किस वार्ड में रखना चाहिए, पुरुष वार्ड में रखना चाहिए या महिलाएं वार्ड में रखना चाहिए। इस डिस्कशन में आधा घंटा चला गया सर, और उसका ब्लड वहीं स्ट्रक्चर पे बहुत बैठा है। तो हमारे निकुंज जोशी सर चिल्ला के बोले उन्हें, डॉक्टर पहले वो इंसान है, बाद में वो ट्रांसजेंडर है, कम से कम इंसानियत के नाते तो उसे पहले देख लो। जब इस बार दोनों डॉक्टर ने उसे देखा सर, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु वहीं हो गई सर। कारण क्या था सर? क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए एक भी वार्ड नहीं है। एक वार्ड तो होना चाहिए सर कि किसी ट्रांसजेंडर को आज मुझे कुछ भी कराना है, कुछ भी कराना है, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैडम एक बताइए, आप लोगों के लिए, जैसे आपके माँ बाप आपको साथ नहीं देते हैं, रिश्तेदार साथ नहीं देते, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्र हो जाती है 60 साल के बाद, कहीं ना कहीं आपको एक सहारा लगता है, सपोर्ट लगता है, तो ऐसे समय में कोई सरकार ने कोई योजना बनाई, कोई आश्रम बनाया कि आपके लिए रहने के लिए? सर मैं कहना चाहूँगी ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है सर, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे लिए कहीं भी ऐसे कोई आश्रम नहीं है सर। ना हमारे माँ है, ना बाप है, ना भाई रहते हैं, ना बहन, ना बच्चे हो सकते हैं हमें। हम आज नहीं तो कल बूढ़े होंगे ना सर। मैं बूढ़ी होंगी, आज मैं 40 साल की हूँ, मैं 50 की होंगी, मैं 60 की होंगी, हो सकता है मैं 70 साल तक के भी जीऊँ, लेकिन अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं रह रही हूँ। जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी सर? तो इसके लिए मेरी सरकार से, ये प्रशासन से यही दरख्वास्त है सर कि एक हमारे लिए, जैसे कि एक पुरुष के लिए वृद्धाश्रम होता है, एक महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम होता है, इसी ट्रांसजेंडर के लिए भी एक वृद्धाश्रम का प्रबंध किया जाए, खासकर नागपुर में सर। मैडम एक बात, आप लोगों के लिए, जैसे पुरुष और स्त्री के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट रहता है स्कूल में, और बच्चों को पढ़ाया भी जाता, आप लोगों के बारे में भी आपको नहीं ऐसा लगता कि हम लोगों के बारे में भी छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो उनके दिमाग में एक विचार चलते हैं आप लोगों के बारे में, ये कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, इनका पहनावा कैसा है, इनका चलन कैसे, ये लड़के से दिखते हैं लेकिन रहना है इनका लड़की जैसे, तो उस विषय को लेकर कोई स्कूल में या क्लास में एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ऐसा लगता नहीं आपको? यस होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि भविष्य कहाँ से घड़ता है, भविष्य बचपन में ही तो घट जाता है। माँ बाप जब सिखाते हैं बेटा ऐसा खाना खाना चाहिए, तभी तो भविष्य घटता है, वो भी तो कहीं ना कहीं खाना खाना किससे सीखता है, माँ बाप से ही सीखता है। तो मेरा कहना ये है कि 4th क्लास में कहीं ना कहीं मेल जननांगों के बारे में पढ़ाया जाता है, फीमेल जननांगों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन 3rd कैटेगरी क्या होती है, आज तक लोगों के लिए आज भी कन्फ्यूजन बन के गया है कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, तो वो भी तो पढ़ाना चाहिए। साइंस तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे अभी तक क्वेश्चन मार्क रहना ही, कि आज कहाँ से कहाँ एडवांस पहुँच रहा है, सब विश्व एडवांस हो रहा है, भारत एडवांस हो रहा है, नागपुर एडवांस हो रहा है, और फिर पढ़ाई एडवांस नहीं हो रही है, ये तीसरा पार्ट को क्यों डिलीट किया? एजुकेशन सिस्टम में ही अगर ये चीज़ सिखाई जाए तो कहीं ना कहीं आज जो आने वाला समाज है वो तो समझेगा ट्रांसजेंडर आखिर क्या होता है। तो मेरी तो स्पेशली कहीं ना कहीं एक ज़रूर मांग है कि भले ही आप वो जननांगों के बारे में पढ़ाए नहीं पढ़ाए, लेकिन ट्रांसजेंडर एक्चुअली क्या होता है ये बच्चों को पहले से ही पढ़ा दिया जाए, तो आई थिंक वो बच्चे समझ सकेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो भी चीज़ देखी हूँ कि रास्ते से जाते हुए अगर माँ बाप के साथ बच्चा है और उसी समय अगर हमारे जैसे कोई भाई बंधु वहाँ से गुजरते हैं, तो माँ बाप सीधा बोल देते कि अरे 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 उनको मत देखो, या फिर उन वो एक आधा क्वेश्चन पूछ भी लिया बच्चों ने तो उनके पास जवाब ही नहीं होता एक्चुअली ये क्या है क्या चीज़ है, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि हम लोग क्या बोले क्या नहीं बोले। ये सब्जेक्ट स्कूल में होना चाहिए ऐसा आपका कहना है? यस, और जरूर ये सब बच्चों को पढ़ाने से कि जो आप विचारधारा जो लोगों की लड़की और लड़की जो बचपन से पढ़ते वो हट सकता है,
आप लोगों के बारे में जी। और सरकारी नौकरी में आप लोगों के लिए कुछ योजना है क्या आपके लिए? अभी तक तो है नहीं। आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ट्रांसजेंडर को कोई पोस्ट पर देखा है क्या? मैं आप ही से सवाल पूछती हूँ, देखा है क्या सर? देखा भी होगा तो फिर महाराष्ट्र में कहाँ है? और महाराष्ट्र में क्या, केरला में या साउथ हाँ। में एमपी में तो है, महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ सर। अच्छा महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन आपने कभी ये सोचो कि महाराष्ट्र सरकार से कि हमारे लिए कुछ योजना बने, क्योंकि आपके रहने के लिए कोई जगह नहीं है या फिर आप लोगों के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता जिसकी वजह से अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए या कोई चैरिटी के माध्यम से आपको कोई बिजनेस आप खोल सके, ऐसा कभी आप सोचे कि आपको कोई बिजनेस डालना है उसके लिए आपको लोन की सुविधा मिले? सर सबसे पहले तो मेरी बचपन से बहुत ख्वाहिश थी सर, जब मैं बचपन में थी तो मेरे घर के थोड़ी दूर पे एक जिम हुआ करता था सर, उस समय जिम बहुत हुआ करता था, तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं जिम करूँ ये करूँ, लेकिन मुझे वहाँ जिम में आने नहीं देते थे मने कि तुम्हारे लायक नहीं है, बोले जिम तुम क्या करोगे मने बॉडी बना के, मने तुम्हें नौकर या मने इकड़ तू जा मने तिकड़ जा मने, ऐसा बोलते थे सर। और आज भी मैं कहीं जिम जाती हूँ तो मुझे कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं लोग, मुझे मेरा भी है, मेरे भी ऐसा लगता है सर मेरा पेट अंदर हो, मेरा फिजिक अच्छा हो, मैं भी अट्रैक्टिव लगूँ लोगों के लिए, मेरा भी दिल होता है। मेरा बचपन से था सर कि मुझे एक जिम डालनी चाहिए करके, तो लेकिन मेरा दुर्भाग्य है सर ना मैं जॉब करती हूँ कहीं, जहाँ मैं संस्था में जॉब करती हूँ तो संस्था के लेवल पे जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से मुझे लोन नहीं मिलता है, लोन नहीं देती है गवर्नमेंट। मैं गई थी बैंक में कि आज आपको पता होगा एक जिम डालने के लिए, एक मामूली से मामूली भी जिम डालोगे तो आपको 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आता है, आपको उसके लिए जगह उसके एक्विपमेंट्स ही इतने महंगे महंगे रहते हैं। तो मैं गई थी एक बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, बैंक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, नेशनलाइज बैंक में गई थी और मेरे पास यहाँ लोन होता है अगर कोई बिजनेस डालने के लिए लोन चाहिए तो क्या क्या लगता है, तो उन्होंने मुझे बोला है आपकी आईटी रिटर्न फाइल है क्या, आप क्या जॉब करती हो, आप ऐसी वैसे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो उन्होंने बोला ट्रांसजेंडर हो? नहीं नहीं बोले, यहाँ पर कोई भी लोन नहीं मिलता है बोले, बिल्कुल बोले नेशनलाइज बैंक ने बोले कि कोई भी लोन नहीं मिलता है। जब ऐसी कोई सुविधाएं ही नहीं है हमारे लिए तो हम कहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे सर? गवर्नमेंट ने ऐसी कोई ट्रांसजेंडर को सुविधाएं तो देनी चाहिए, तो कम से कम वो अपना कुछ बिजनेस तो स्टार्ट करे, कुछ श्योरिटी तो देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के पास आप लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। आप भी डांस का बड़ा शौक है आपको, तो आपने भी कभी सोचोगे कि मैं डांस क्लास चालू करूं या गवर्नमेंट से लोन लूं या सरकार से कोई योजना के अंतर्गत मैं कुछ बड़ा बिजनेस कर सकूं? जी बिजनेस के बारे में तो मैंने सोची हूँ और डांस क्लास के बारे में भी मैंने चालू भी किया था, लेकिन कोरोना काल आया उसके बाद में वो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। कोशिश कर रही थी कि मैं शुरुआत तो करूँ, देन फिर आफ्टर मैं उसका रजिस्ट्रेशन करके कहीं ना कहीं लोन वगैरह जुगाड़ करके कहीं ना कहीं वो चालू करूँगी, लेकिन हाँ ये कोरोना काल ने भी उसमें ये मतलब पीछे आ गई उसमें। लेकिन अदर स्टेट में क्या है ना, अदर स्टेट में बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में भी उसी तरह से चांस मिला, केरला हो गया और बाकी दिल्ली साइड हो गया, ये साइड हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में आज तक ये कोई भी चीज़ अभी तक नहीं दिखी है कि कोई ट्रांसजेंडर कुछ कर रहा है। लास्ट एक न्यूज़ आई थी कि ऑटो ड्राइवर बन रहा है ट्रांसजेंडर, तो ऑटो ड्राइवर से तो वो तो अपनी अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने सेक्टर्स में जगह दे रहा है क्या? क्योंकि आज मैं खुद MSW की पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने जब जॉब के लिए गई, मैं मेरा BCom भी हो चुका है, तो वहाँ पर जब मैंने अप्लाई किया तो तब मेरे डॉक्यूमेंट जैसे मेल के थे, तो तब तक उन्होंने चलो ठीक है, पर जब मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दी, मेरी साड़ी अच्छी थी, मेरा लुक अच्छा था, मेरा सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही देखा उन्होंने कि ट्रांसजेंडर है तो आप, अरे आपके लिए कोई कॉलम ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में देख लो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, आपके लिए कोई कॉलम ही नहीं है, हम आपको किस बेसिस पे जगह दे? इसका मेरा कहना है कि इसी के लिए ना बचपन से यानी जो बच्चे छोटे रहते तब से लेके बड़े होने तक के एक सब्जेक्ट आप लोगों का होना चाहिए, जिससे अरे ये पता चले लड़का और लड़कियों में जो फर्क तो है ही नहीं उनमें भी, उनको जैसा आप साथ में बैठते हैं उठना बैठना रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में अगर आम जनताओं को और बच्चों को ही बताया जाए तो हो सकता आप लोग उनके साथ में उठना बैठना कर सके या सरकारी नौकरी भी आपको मिल सके। लेकिन क्या हो रहा है कि सरकार तक के आपकी बात को रखने वाला है क्या, ये भी बताइए जी। वैसे तो देखा जाए तो सरकार की तरफ बात रखने वाला भी है, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं,
अभी तो फिलहाल तो मैं जैसे साथी ट्रस्ट में काम करती हूँ, कहीं ना कहीं 16-17 साल से साथी ट्रस्ट काम कर रहा है एलजीबीटी समुदाय के लिए और उनके हितों के लिए। इवन दो हमारा साथी ट्रस्ट ने कहीं ना कहीं बड़े बड़े वर्कशॉप्स किए हैं, कैंप्स लगाए हैं जिसमें ट्रांसजेंडर रिलेटेड जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसे 2-3 कंपनियाँ हैं जिन्होंने हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी वहाँ पे कुछ खोल के दिया, क्योंकि सारथी ने वहाँ पे एप्लीकेशन दिए थे कि हमारे एलजीबीटी समुदाय के लिए भी कहीं ना कहीं आप चांस दीजिए, लेकिन वो उस पैमाने में नई चीज़ की गई, बस उधर लोडिंग अनलोडिंग के लिए उन लोगों ने रखने की कोशिश करी। अरे बच्चा एजुकेटेड है, हम एजुकेटेड है, हमारी कोई बीई पढ़ा हुआ है, आज हमारे नागपुर से डॉक्टर मायरा करके है जो हैदराबाद में काम कर रही है, इतने इतने लेवल में पढ़े हुए हमारे एलजीबीटी समुदाय के कुछ बहने हैं, हमारे भाई आए पढ़े हुए, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करेंगे, हमें वो लेवल है ना हर किसी में। एक लड़की भी अगर आईएएस कर रही है तो वो आईएएस सोचेंगी ना, वो कहीं ना कहीं मिट्टी कोटे का काम नहीं करेगी, तो हम भी तो है तो हमारे लिए भी तो वो चीज होनी चाहिए। सरकार से नागपुर शहर में कितने ट्रांसजेंडर हो गया? सर हम पूरा तरीके से आंकड़ा तो नहीं बता सकते सर, लेकिन 300 से 350 ट्रांसजेंडर है नागपुर में सर। आप लोगों की सुविधा के लिए आप सरकार से, आपकी संस्था होगी, आपकी एक कम्युनिटी बनी होगी, आप सरकार से अपने रहने के लिए सुविधा मांग सकते हैं, आप हॉस्पिटल की सुविधा आप लोग कर सकते हैं, सब चीज़ें, इन सब चीज़ें के लिए आपने किसी ने कभी मांग की क्या अभी? सर हम काफ़ी सालों से मांगी तो करते आ रहे हैं सर, हम काफ़ी सालों से मांगी करते आ रहे हैं पर सरकार सुन कहाँ रही है सर। हम तो चिल्ला चिल्ला के हर न्यूज़ चैनल में जहाँ भी जाते हैं कोई भी प्रोग्राम्स में तो हम बोलते हैं हमारी सुने, पर सरकार सुनेगी तब ना सर। हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यही विनंती है हमारी सरकार से, प्रशासन से ये विनंती है कि प्लीज़ हमारे तरफ भी देखिए, हम भी इस समाज का अंग है, हमें इतना पिछड़ा ना कीजिए बस। हमारे साथ में थे आचरण मोहिनी, मार्च 24 के माध्यम से बताएंगे कि ये भी एक स्त्री और पुरुष जैसे सब लोग मिल के रहते हैं, वैसे भी इनके साथ आप मिल के रह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ एक बार आप लोग दोस्ती करो और दोस्त बन के इनके साथ रहो तो आपको पता चलेगा कि हम जैसे आम जनता लोग जैसे सब मिल के रहते हैं वैसे इनके साथ भी मिल के रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले सभी बच्चों को छोटे बच्चे से ही उनके बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है, व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा, लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर।